नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति में सहयोगी दलों का साथ यहां से क्या नीतीश कुमार अब छोड़ने वाले हैं? क्या सहयोगी दल अब नीतीश कुमार से यहां पर कहीं ना कहीं अधिक अपेक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सहयोगी दलों का समर्थन न मिलना अब आगामी वक्त में एनडीए सरकार के लिए टेढ़ी खीर बनता हुआ नजर आएगा? यानी कि साफ तौर पर बिहार की राजनीति में सियासी संग्राम मचता हुआ नजर आ सकता है। इसका बड़ा कारण ये है कि एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से नीतीश कुमार सरकार को लेकर विभिन्न तरीके की मांग की जाना। आपको बता दें कि एक तरफ जहां चिराग पासवान यहां पर जो पासवान समाज के लिए 80% आरक्षण की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन यहां पर दलितों के आरक्षण को लेकर भी अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के तमाम सियासी समीकरण बनाए जाने शुरू हो गए हैं और इसी कड़ी में अब आने वाले वक्त में जिस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे यही प्रतीत होता है कि सहयोगी दल के नीतीश कुमार की कार्यशैली से ठीक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी बन रहा है कि जिन दलों ने यहाँ पर नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े किए हैं, वही दल यहाँ पर सहयोगी दलों के रूप में सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त देखा जाए तो बिहार में बीजेपी के साथ साथ जिस तरीके से जीतनराम मांझी की पार्टी गठबंधन में शामिल है और नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार चला ही रहे हैं, तो ऐसे में संतोष सुमन वहां पर जो है कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। केंद्र सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को एनडीए गठबंधन की तरफ से कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार ही असली सूत्रधार है? क्या नीतीश कुमार ही आगामी वक्त की राजनीति को तय करते हुए नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में एनडीए गठबंधन में ही कोई यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां बनती हुई नजर आ रही है, कोई षड्यंत्र बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस वक्त सरकार को बने कुछ चंद महीने हुए थे, आज तक देखा जाए तो सरकार महज छह महीने पुरानी है, लेकिन उसी वक्त पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने वाले यहाँ पर सम्राट चौधरी ने जिस तरीके का बयान दिया था कि आगामी वक्त में विधानसभा चुनाव के बाद तो भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बिहार में बनता हुआ नजर आएगा, तो वाकई में क्या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर ही अब एनडीए के दलों में यहाँ पर जो है आपसी रसाकसी देखने को मिलती रहेगी? सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो बिहार में विपक्ष में मौजूद कांग्रेस पार्टी और आरजेडी एक तरफ यहाँ नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। बिहार में जिस वक्त आरजेडी और जेडीयू की साझा सरकार चल रही थी, उस दौरान नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जाती है। उस कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया जाता है कि नीतीश कुमार और यहाँ पर उनकी सरकार जो है वो आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण की बात थी, उसको बढ़ाकर 75% करेगी। लेकिन इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रस्ताव को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल जाती है, मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है, पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को फटकार लग जाती है और गैर संवैधानिक बताते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। इसके साथ साथ बिहार सरकार की तरफ से इस मामले को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि 75% आरक्षण देना संवैधानिक नहीं है और ऐसे में आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन इस आरक्षण को किस तरीके से कानूनी अमलीजामा पहनाया जाए, इसकी पटकथा भी यहां पर तेजस्वी यादव लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि संविधान की नवी अनुसूची में यदि इस आरक्षण को कानूनी रूप से शामिल करवा दिया जाता है तो फिर सरकारें कानून के साथ आरक्षण संबंधी मुद्दों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं और प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के हितों के लिए, प्रदेश के लोगों की जन भावनाओं के लिए ये एक कानूनी जो है आधार बन जाएगा और इसी आधार के ऊपर प्रदेश के लोगों का हित साधा जा सकता है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है यदि हम सरकार में आते हैं तो हम 75% आरक्षण को यहाँ पर कानूनी अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। यानी कि निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त बिहार की राजनीति में बनता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ चौकीदारी दफादारी में
आरक्षण को लेकर के पासवान समाज ने जो प्रदर्शन किया उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। चिराग पासवान उनके समर्थन में आए, नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आए, उनके चाचा पशुपति पारस समर्थन में आए। उसके बाद जो है बिहार में बड़े सियासी परिवर्तन की बात करते हुए नजर आए। अब ओबीसी और एससी एसटी आरक्षण को लेकर के जीतन राम मांझी जिस तरीके से अपने बयान दे रहे हैं, उनके बेटे संतोष सुमन जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तमाम और नेता जो है या नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक माहौल तैयार हो रहा है बिहार में कि आने वाले वक्त में एनडीए गठबंधन के लिए जो राजनीति को साधना इतना आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि उनका जो सियासी प्रभावी चेहरा था वो फीका पड़ता हुआ अब आने वाले वक्त में नजर आ सकता है, क्योंकि 9 सीटों पर बिहार में यहाँ एनडीए गठबंधन को झटका लगा है लोकसभा चुनाव में। और ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है, यदि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की दहलीज तक जाना है, अपना मुख्यमंत्री बनाना है, तो नीतीश कुमार को साधना उनकी प्राथमिकता बन चुकी है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान को लेकर भी यहाँ पर काफी सक्रिय रूप से दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले दिनों चिराग पासवान से दिल्ली में ही मुलाकात होती है, उसके बाद चिराग पासवान पटना जाते हैं, वहां नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद 50 विधानसभा की सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। यानी कि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने और राजनीतिक जमीन को यहाँ पर बिहार की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मजबूत करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कोशिशें जारी है कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए जिस तरीके के फैसले लिए जाए वो फैसले यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक मजबूती देते हुए नजर आए। और राजनीतिक मजबूती देने का मतलब ये है कि बीजेपी और उसके साथ साथ LJPR जो कि चिराग पासवान की पार्टी है वो सरकार बना सकती है, सत्ता की दहलीज तक आपस में दोनों दल मिलकर के पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या वाकई में ये संभव हो पाएगा, क्या वाकई में चिराग पासवान मजबूती के साथ यहां पर आने वाले वक्त में एनडीए का एक मजबूत हिस्सा बन पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों पर खरा उतर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो तमाम रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे, क्या आगामी वक्त में विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां चिराग पासवान की लॉन्चिंग करने जा रही है, क्योंकि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में महज एक सीट यहां पर रामविलास पासवान की पार्टी को मिली थी और उसके बाद उनके निधन के बाद से जिस तरीके से उनकी पार्टी का बिखराव हुआ, तो 2024 का लोकसभा चुनाव जो है चिराग पासवान के लिए राजनीतिक भविष्य में आगे पढ़ने के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका बनकर के आया है। ऐसे में आगामी वक्त में आरक्षण को लेकर के बिहार में जंग छिड़ती हुई नजर आ सकती है। इस जंग को कौन जीत पाता है, क्या यहां पर एनडीए के तमाम सहयोगी दल नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, या फिर आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस बिहार में बड़ा तख्ता पलट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वक्त एनडीए गठबंधन काफी कमजोर हो चुका है बिहार में और इंडिया अलायंस में सहयोगी दलों के साथ मिलकर के हम आगामी वक्त की रणनीतियों को साधने के लिए पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तेजस्वी यादव यहाँ पर साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में राजनीति को साधने के लिए हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी और RJD मिलकर के सरकार बनाने की परिस्थिति में आ चुकी है बिहार में। इस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकमेंसी देखने को मिल रही है। देखना यह होगा कि किस तरीके की राजनीतिक समीकरण राजनीतिक परिस्थितियां बनती हुई नजर आती है और क्या वाकई में बिहार में सत्ता का परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।